यहाँ मैं बात करने लगी थी कि हम अपने यहाँ इस्लामाबाद में अगर किसी गोरे को जो थोड़ा एजड है उसको वॉक करते हुए, रनिंग करते हुए या साइकिलिंग करते हुए देखते हैं, बड़े हैरत से देखते हैं। उन्होंने अपने को फिट रखा हुआ है, आज भी वो अपनी सेहत को तरजीह देते हैं। एक तो फिट भी रखते हैं, प्लस वो अपनी डाइट को भी बहुत कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, उनको पता है कि हम क्या खा रहे हैं। हम चाइनीज की बात करते हैं, कितने खूबसूरत उनकी फेस, उनकी स्किन कितनी मुलायम और वो बच्चों की तरह होती है। उनके उनके खाने में तो देखिए उबले हुए खाने खाते हैं, वो मिर्च मसाले नहीं खाते। वो प्रॉपर जो आपकी बॉडी की नीड है ना, वो उसको वो प्रोवाइड करते हैं। अगर उसको डेली वैल्यू जो चाहिए वो उसको दे रहे हैं। इधर हम जो है उसके ऑपोजिट चल रहे हैं। बिल्कुल, हमने न्यारी भी खाने हैं, चने भी खाने हैं। मैं कहती हूँ कि मनीषा बस नहीं चलता कि वो मसालों वाला पैकेट जो है ना खोल के वहीं डाल के और मिक्स करके खाएं, ऐसे इतने स्पाइसी चीज़। अच्छा, हमारी अजीब सी बात है, हमारी मेंटालिटी कुछ ऐसी, अच्छी खासी हेल्दी चीज़ होती है लेकिन हम उसको पता नहीं उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं कि वो अनहेल्दी हो जाती है। हम जितना उसको फ्राई कर रहे होते हैं ना, पका पका के, जब तक उसका वो असर खत्म नहीं हो जाता ना, हम कहते खाना तैयार नहीं हुआ।